द्रौपदी का डांडा टू चोटी पर हिमस्खलन की चपेट में आए 29 में से 27 शव निकाल लिए गए। हालांकि जिला मुख्यालय 11 शव ही पहुंचाए गए हैं। वायुसेना का विमान रविवार सुबह शेष 16 शवों को लाने के लिए हेली बेस कैंप के लिए रवाना हुआ, जिनमें से 10 शव मातली हेलीपैड लाए गए हैं, जबकि 2 लापता प्रशिक्षु पर्वतारोहियों की खोजबीन अभी भी जारी है। रविवार को उत्तरकाशी में मौसम खुलते ही प्रशिक्षु पर्वतारोहियों के शवों को निकालने के लिए हेली रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया है। द्रौपदी का डांडा बेस कैंप से 10 शव को हवाई सेना के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए मातली हेलीपैड पहुंचाया गया। साथ ही हिमस्खलन की चपेट में आए 7 पर्वतारोहियों के शव शनिवार को मातली हेलीपैड पहुंचाए गए। अब तक कुल 11 शव परिजनों को सौंपे जा चुके हैं। वहीं बार बार मौसम खराब होने के कारण रेस्क्यू अभियान प्रभावित हो रहा है। 2 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। एमकेएन न्यूज की डेस्क रिपोर्ट।